हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 12th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 3, जिसका नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर का सॉल्यूशन नंबर 14 का ये पार्ट। क्वेश्चन नंबर 14 का ये पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 14 का ये पार्ट हमें कह रहा है, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1 रेस्पेक्टिवली, दे एडमिट डी फॉर 1/6 शेयर इन द फर्म, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखिए यहाँ पे आपको बता रखा है कि ए बी सी तीन पार्टनर है जिनके आपको ओल्ड रेशियो बता रखे है 2:2:1 है। इन्होंने डी को एडमिट किया 1/6 शेयर के साथ, आपको कैलकुलेट करना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप देखिएगा कि डी का शेयर हमें गिवन है 1/6 है। अब जब डी का शेयर 1/6 है तो रिमेनिंग शेयर आपको पता करना है कि कितना होगा। तो रिमेनिंग शेयर कैसे पता चलेंगे, 1 - 1/6 कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको एलसीएम लेना होगा, 6 एलसीएम आएगा आपके पास, तो यहाँ पे 6 - 5 आपका 6 - 1 आपका न्यूमरेटर में आ जाएगा, क्योंकि 6 के टेबल में 6 1 पे आता है, 1 1 द 1 होता है, तो यहाँ पे आपका 6 और -1 आ जाएगा, माइनस करने पे आपके पास 5/6 आएगा। तो 5/6 क्या रिमेनिंग शेयर है, क्या है रिमेनिंग शेयर। अब जो 5/6 रिमेनिंग शेयर है और हमें ओल्ड रेशियो पता है पार्टनर्स की, यहाँ पे आपको ए बी सी का न्यू शेयर पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, तो ए का शेयर कितना होगा 2/5 × 5/6 कर दीजिए, क्योंकि अब रिमेनिंग शेयर जो है वो 5/6 ही है। अब उसमें से ए का कितना शेयर है, तो 2/5 × 5/6 करेंगे तो 5 से 5 हमारा रिमूव हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2/6। सेम इसी तरीके से बी का शेयर कितना होगा, 2/5 × 5/6 करेंगे, क्योंकि बी की भी ओल्ड रेशियो 2/5 है, तो ये भी कैलकुलेट होकर 2/6 ही आएगा। अब यहाँ पे आपको सी का शेयर पता करना है कि सी का शेयर कितना होगा 5/6 में से, तो 1/5 इसकी ओल्ड रेशियो थी, मल्टीप्लाई कर दीजिए 5/6 से, तो ये आपके पास 1/6 आएगा। 1/6 कैसे आया, क्योंकि जब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे आप, 1 × 5 करेंगे तो 5 ही होगा, और 5 × 6 करेंगे तो 30 होगा, तो 5/35 के टेबल से डिवाइड होता है, जिस रीजन से यहाँ पे 1/6 मैंने लिखा है। अब यहाँ अब हमें क्या करना है, अब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करनी है, और डी का शेयर तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन बता रखा है 1/6 है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको ये लेके चलनी है 2:2:1:1। अब आपको क्या करना है, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता करनी है, तो यहाँ पे ए ने कितना सैक्रिफाइस किया पहले ये देखते हैं। तो ए की ओल्ड रेशियो क्या थी, ए की ओल्ड रेशियो थी 2/5, माइनस कर दीजिए न्यू रेशियो, तो जो कि 2/6 है, क्योंकि ये तो न्यू रेशियो निकाली है ना हमने, और ओल्ड रेशियो ये थी हमारे पास, तो 2/5 - 2/6 करेंगे तो एलसीएम लेना होगा आपको, 30 एलसीएम आएगा आपके पास, 5 के टेबल में 36 पे आता है, 6 × 12 हो जाएगा, 6 के टेबल में 35 पे आता है, 5 × 10 हो जाएगा, तो 12 - 10 करेंगे तो यहाँ पर 2/30 आएगा। सेम इसी तरीके से बी ने कितना सेक्रीफाइस किया ये आपको पता करना है, ओल्ड रेशियो 2/5 थी बी की, न्यू रेशियो 2/6 है, तो माइनस करना होगा आपको 2/5 - 2/6, एलसीएम आपके पास 30 आएगा, न्यूमरेटर में आपके पास 12 - 10 आएगा, माइनस करने पे 2/30 आएगा, बी ने भी इतने सेक्रीफाइस किया 2/30। अब पता करना है आपको कि सी ने कितना सेक्रीफाइस किया, सी की ओल्ड रेशियो है 1/5, न्यू रेशियो है 1/6, तो माइनस करेंगे यहाँ पे आप, तो एलसीएम लेना होगा आपको, तो 30 एलसीएम आएगा, 5 के टेबल में 36 पे आता है, 6 × 6 हो जाएगा, 6 के टेबल में 35 पे आता है, 5 × 5 हो जाएगा, तो ये माइनस करने पे आपके पास 1/30 आएगा। अब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता चल जाएगी, जो कि आपकी 2:2:1 है। तो यही हमें क्वेश्चन में पता करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।